नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन राजपूत स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे YouTube चैनल पे। आज के इस हिमाचल हॉरर सीरीज सेशन में मैं आपको तीन कहानियां सुनाऊंगा जो कि मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स ने मेल के माध्यम से भेजी हैं। अगर आपके पास भी कुछ, अगर आपको लगता है कि सच में बहुत डरावनी या कुछ यूनिक सी स्केरी स्पूकी स्टोरीज हैं तो आप मुझे मेरे ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं, मेरी ईमेल आईडी स्क्रीन पर है। और अगर आपकी कहानी मुझे सच में बहुत अच्छी और यूनिक लगी तो मैं अपनी ऑडियंस के साथ जरूर शेयर करूंगा। तो आज मैं जो आपको तीन कहानियां सुनाऊंगा उसमें से जो सबसे पहली कहानी है वो मुझे भेजी है शिवम चंदेल ने, जो कि बद्दी से हैं। तो आइए इनकी कहानी को सबसे पहले मैं आपको सुनाता हूँ। सो शिवम ने जो कहानी मुझे भेजी है वो कुछ इस तरह भेजी है। शिवम ने अपनी स्टोरी में बताया कि 26 सितंबर की ये बात है, इनके एक फ्रेंड था जिसका नाम गोल्डी था, उसकी बर्थडे पार्टी थी। तो ये तो बद्दी में थे बट जो फ्रेंड्स सारे इकट्ठे हुए थे वो थे चंडीगढ़ में। तो ये चंडीगढ़ गए हुए थे बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए। तो वहाँ पे सब सेलिब्रेशंस वगैरह करके रात के तकरीबन 1:30 बज गए थे और शिवम ने बोला कि अब मुझे घर जाना चाहिए और मैं घर जा रहा हूँ अपने बद्दी। तो जो इनका दोस्त था गोल्डी उसने इन्हें रुकने के लिए बोला बट इन्होंने मना कर दिया शिवम ने और कहते कि नहीं मुझे घर जाना है। और ये रात को चंडीगढ़ से बद्दी के लिए निकल आए। तो बद्दी चंडीगढ़ से अप्रॉक्सीमेटली 36 से 37 किलोमीटर दूर होगा। तो वैसे तो ऑब्वियसली रात को आना वो भी इतने अंधेरे में वॉज नॉट अ गुड थिंग, बट इन्होंने बताया अपनी स्टोरी में कि वहां पे एक शॉर्टकट भी है और बट उस शॉर्टकट में वहां पे आता है एक बहुत घना जंगल जिसे सिसवा नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसा इन्होंने स्टोरी में लिखा है, मुझे नहीं पता। सिसवा में इन्होंने लिखा है कि काफी मर्डर हुए हैं उस जंगल के आसपास और मतलब काफी वो डरावना सा एरिया है, सुनसान एरिया है। तो खैर इन्होंने बताया कि मैं वहां से निकल गया और जैसे उस जंगल के करीब आने वाला था तो इन्हें थोड़ा डर ऑफकोर्स लगने स्टार्ट हो गया था। इन्होंने लिखा कि मैंने अपनी गाड़ी में तेज म्यूजिक फुल वॉल्यूम पे मतलब बजाना शुरू कर दिया और पूरा एंजॉय करते हुए, चिल करते हुए मैं आ रहा था वापस उस रास्ते से। जंगल में जब शिवम एंटर करे तो इन्हें ऑलरेडी नेगेटिव वाइब्स और वो सब चीजें आना दिमाग में शुरू हो गई थी। तो जैसे ये जंगल के बिल्कुल बीच जैसे में पहुंचे तो इनके गाड़ी के सामने एक औरत और उसकी बेटी आ गए और वो एकदम से इनकी गाड़ी से आके टकरा गए और वो नीचे गिरे और वो बहुत जोर से चिल्लाए। शिवम एकदम से डर गए और उन्होंने अपनी आगे जाके कार रोकी और बाहर निकले देखने के लिए कि उन दोनों को लगी तो नहीं है। और जैसे वो बाहर देखे तो वो दोनों माँ बेटी उठे और बहुत जोर से हंसने लग पड़े और एकदम से गायब हो गए। शिवम बहुत ज्यादा डर गए कि अचानक से ये क्या हो गया और ये मैंने क्या देख लिया। और वो फटाफट गाड़ी में बैठे, वो बहुत ज्यादा डर गए, उन्हें समझ आ गया था कि ये मतलब कोई ह्यूमन तो नहीं है, ऑब्वियसली कोई स्पिरिट या एंटिटीज है। और कहते हैं मैंने फुल स्पीड में जितनी तेज मैं गाड़ी चला सकता था अंधेरे में जितना मुझे दिख रहा था और जो मैं मेरी कैपेसिटी थी गाड़ी चलाने की मैं फुल स्पीड में गाड़ी लग पड़ा चलाने। अचानक से जब उनका ध्यान जो गाड़ी का मिरर होता है साइड वाला साइड मिरर पे जब उनका ध्यान गया तो उन्होंने देखा कि उनकी गाड़ी की रफ्तार जो थी उसी स्पीड से वो माँ बेटी पीछे भाग रहे थे। और ये बहुत ज्यादा डर गए, कहते मैंने जोर जोर से साईं बाबा का नाम और गुगा जाहिरवीर का नाम लेना शुरू कर दिया और जोर जोर से मैं उनको जपता रहा और जैसे तैसे करके मैं उस जंगल से निकला और सही सलामत घर पहुंचा। और कहते जब मैं घर पहुंचा उसके कुछ दिनों बाद तक भी वो माँ बेटी दोनों मुझे अपने कभी रूम में दिखाई देती थी और कभी मेरे को अपने सपनों में दिखाई देती थी और मुझे बोलती थी कि हम तेरे को लेने आए हैं और अपनी दुनिया में ले जाएंगे। तो कहते मैं बहुत ज्यादा डर गया था, मैं डरा डरा रहता था, सहमा सहमा रहता था। फिर जो इनकी फैमिली थी जो उन्होंने कुल पंडित जो थे इनके उन्हें दिखाया, फिर उन्होंने बताया कि हाँ कुछ साया है इन पे और फिर हवन वगैरह करवाने के लिए कहा। तो बोला कि जब हवन वगैरह और जो उपाय उन्होंने बताए थे वो सब कर लिए उसके बाद से इनके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं। बट कहते जब भी मैं इस इंसिडेंट को याद करता हूँ बहुत ज्यादा डर लगता है और अब इनकी लाइफ अच्छी चल रही है। आगे उन्होंने लिखा जय साईं राम जय गोगा जाहिर वीर जी। तो ये जो कहानी थी ये भेजी थी शिवम चंदेल जी ने जो कि बद्दी से थे। जो नेक्स्ट स्टोरी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ ये मुझे भेजी है, एक्चुअली उन्होंने नाम रिवील करने से मना किया है तो इनकी प्राइवेसी के लिए मैं नाम नहीं बताऊंगा। सपोज इनका नाम है रमा। इन्होंने लिखा है कि ये बात कितनी सच्ची है कितनी नहीं ये मुझे भी नहीं पता बट इन्होंने ये बचपन से सुनी है और जहाँ ये स्टोरी हुई है वो जगह जो है वो इनके घर के बिल्कुल सामने है। ठीक है तो अब स्टार्ट करते हैं इनकी कहानी को। रमा जो है, रमा का गांव है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में और रमा ने बताया कि ये कहानी अप्रॉक्सीमेटली 80 से 90 साल पुरानी होगी इनके ग्रेट ग्रैंडफादर के जमाने की। तो वो जैसे होता है ना पीढ़ी दर पीढ़ी वो स्टोरी चली आती है तो आगे से आगे बुजुर्ग लोग बच्चों को फिर बच्चे अपने बच्चों को ऐसे सुनाते हैं तो इन्होंने भी वैसे ही सुनी। तो इन्होंने लिखा पता नहीं सच बात है कि नहीं है वो नहीं पता बट स्टोरी में इन्होंने बताया कि 80-90 साल के पहले की बात है एक आदमी था
और ही वॉज इन हिज अर्ली 20s, वो अपने मतलब 20 साल का था भी, और उन्होंने जो अपने माता पिता थे वो खो दिए थे बचपन में, तो वो अकेले ही रहता था। और पुराने जमाने में आपको पता है जो पहाड़ी होंगे घर हट टाइप की होती थी जैसे, और ऊपर वो जो घास के वो डालते थे मतलब स्लेट और छतनी घास की, वैसे तरह की वो घर था, और वो अकेला रहता था वहां पे। तो वो गया होगा कहीं काम से किसी या जो भी था, तो जब वो रास्ते में आ रहा था जंगल से, उसे एक औरत मिली, वो भी अकेली चली हुई थी, तो उसने उनसे बात करने की कोशिश की, और उस आदमी ने उससे पूछा कि मतलब आप कौन हो, कहाँ जा रहे हो, और जो भी उनके बीच में आपस में बात हुई होगी थोड़ी बहुत, तो औरत ने बताया कि मैं भी अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं है, और मैं रहने के लिए घर ठिकाना ढूंढ रही हूँ। तो उस आदमी ने पता नहीं क्या सोच के उसको बोला कि मतलब चलो मेरे साथ हो और मैं भी अकेला हूँ, ऐसा तैसा। स्टोरी में उन्होंने खुद लिखा है कि हो सकता है वो जो इंसान था वो आशिक मिजाज थे या क्या थे, ये ऐसा इन्होंने स्टोरी में लिखा है। तो कहते हैं वो उस औरत को अपने घर ले गए। अब ये नहीं पता औरत ने क्या क्या स्टोरी सुनाई उनको, वो तो ऑब्वियसली इतनी पुरानी कहानी है तो पता नहीं क्या होगा। तो कहते हैं वो उस जमाने में वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे एक तरह से, अगर देखा जाए। जो आदमी था वो 20s में था और वो जो औरत थी वो दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर थी। तो हुआ क्या कि अब जैसे वो दोनों रहने लग पड़े, तो वो औरत जो थी वो कभी भी हट से बाहर नहीं निकलती थी, वो जो झोपड़ी थी उनकी उनसे कभी बाहर नहीं निकलती थी, वो हमेशा अंदर ही रहती थी। आदमी अपने काम पे जाता था आता था, बट वो औरत कभी नहीं निकलती थी अपने कमरे से बाहर, वो अंदर ही रहती थी, और ज्यादा लोगों को पता भी नहीं था इस चीज के बारे में, एक दो को पता होगा। ऐसे ही वो दोनों खुशी खुशी रहने लग पड़े। वो जो अंकल थे वो सुबह काम करने जाते थे, और तब तक इनके आते आते वो जो औरत थी वो रोटी भी बना देती थी, खाना कपड़े धो देती थी, सब काम करती थी। तो मतलब इनकी हैप्पी लाइफ चल रही थी मतलब। तो एक दिन क्या हुआ कि अंकल जो अपना उनका रेगुलर टाइम था उससे थोड़ी जल्दी घर वापस आ गए, तो जैसे ही उन्होंने उस झोंपड़ी का दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा वो औरत उनके लिए खाना बना रही थी, मक्की की रोटी वो बना रही थी चूल्हे पे, और खुद साइड में बैठी हुई थी और हाथ से वो रोटियां बना रही थी। बट उनका जब ध्यान गया तो उन्होंने देखा कि चूल्हे में लकड़ी की जगह उस औरत ने अपनी टांगे जलाई हुई थी, और वो टांगे जल रही थी, और उसकी टांगे इतनी लंबी लंबी थी कि वो उन टांगों को उसने चूल्हे में भी डाला हुआ था, और वो जल रही थी, और आधी उसकी टांगे वो फोल्ड करके आराम से बैठी हुई थी। ये देख के अंकल बुरी तरह से डर गए, और अंकल को उस औरत ने भी देख लिया था, और वहां से एकदम भागे। उन्होंने गांव वालों को जो भी आसपास के 2-3 लोग थे उन्हें बताया, और जैसे तैसे करके चेला वगैरह बुलाया होगा उन्होंने, फिर वो मंत्र फूक जो भी किया, उसके बाद कहते वो औरत किसी को दिखी नहीं वहां पे। और आगे उन्होंने स्टोरी में लिखा है कि जिस रास्ते में वो औरत उन्हें मिली थी वो कुछ शमशान घाट वगैरह उस तरह का रास्ता था। कहते हैं ये नहीं पता कि ये भूत था या छलेडा था, छलेडा मतलब छलावा जिसको बोलते हैं, कि मतलब क्या चीज थी, बट वो जो आदमी था वो उस औरत के साथ तकरीबन 10 से 15 दिन उस झोंपड़ी में रहा था। और आगे से आगे मतलब ये स्टोरीज जैसे मैंने बताया कि पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है, तो आगे उन्होंने भी लास्ट में यही लिखा है कि इसकी स्टोरी ऑलमोस्ट 3 पीढ़ियों के लोग सुनाते आ रहे हैं। आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू और नॉट, बट आई फाउंड इट इंटरेस्टिंग, होप यू लाइक इट टू, बाय। तो ये स्टोरी इन्होंने मुझे भेजी थी और मुझे भी काफी इंटरेस्टिंग लगी, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। सो जो नेक्स्ट स्टोरी मैं आपको अब सुनाने जा रहा हूँ ये मुझे भेजी है मुस्कान ठाकुर ने। सो जो मुस्कान ठाकुर हैं ये कांगड़ा से हैं, तहसील फतेहपुर धमेटा, और जो कहानी जिनकी इन्होंने मुझे भेजी है वो इनकी दोस्त के साथ हुई है, और उनकी दोस्त ने इन्हें बताई होगी, फिर आगे इन्होंने मुझे ये कहानी भेजी है। बट जो एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ उन्होंने लिखी है वो है कि ये कुछ ही महीने पहले की बात है, मतलब अप्रैल 2021 की। इन्होंने लिखा कि हम सोचते हैं कि अभी ऐसा कुछ नहीं होता, बट जब मेरी फ्रेंड ने मुझे ये बात सुनाई तो मैं खुद हैरान रह गई थी। तो आओ मैं अब आपको इनकी कहानी सुनाता हूँ कि इन्होंने कहानी में क्या बताया है। सो मुस्कान ने अपनी कहानी में बताया कि सपोज जो फ्रेंड थी इनकी उसका नाम रिया है, ठीक है। सो जो वो रिया है वो उनकी ये स्टोरी एक्चुअली मुस्कान ने जो भेजी है, तो रिया अपनी भाभी के साथ, रिया की जो भाभी है उनका एक छोटा बच्चा भी था, तो रिया ने सोचा कि काफ़ी टाइम हो गया है, रिया की एक बड़ी बहन भी थी तो उनके पास मैं जा आती हूँ मिलने। तो रिया अपनी भाभी और उस 6 साल के बच्चे को लेकर अपनी दीदी के पास चलेगी उनसे मिलने के लिए। तो वो वहां पर गए दोनों, फिर 1-2 या 3 दिन उन्होंने काटे, ठीक है, सब अच्छा चल रहा था, हंसी मजाक खाना पीना इधर उधर घास कटाई ये वो सो सब सही चल रहा था। बट तीसरे दिन क्या हुआ कि जो रिया थी उसे अपने बाल धोने थे, बट वहां पे दिक्कत क्या थी कि थोड़ा गांव कुछ ऐसे होते हैं ना जहाँ पे हिमाचल में पानी की बड़ी शॉर्टेज होती है और कभी कभी आता भी नहीं, तो मोस्टली लोग क्या करते हैं कई हैंडपम्प से लाते हैं पानी, कई जो खड्ड होती है, खड्ड जिसको नहीं पता खड्ड होती जैसे एक नदी होती, नदी का एक शॉर्ट वर्जन होता है खड्ड जहाँ पे मतलब थोड़ा पानी होता है, तो वहां पे लोग जाते हैं कपड़े वगैरह भी वहीं पे धोते हैं। तो रिया ने
अपनी दीदी को बोला होगा कि यार मेरे को मतलब बाल धोने हैं और मतलब मैं कहाँ धोऊं क्या करूं, तो रिया की दीदी ने बोला कि तू खड्ड में जाना और कपड़े भी धो लाना साथ में और अपने बाल भी धो लेना जाके। तो रिया ने क्या किया कि वहां पे कोई बच्चे जैसे होंगे तो 8-10 साल की एक लड़की को लेके वो खड्ड चलेगी कपड़े लेके कि हाँ मैं धो भी आती हूँ, बाल भी धो लूंगी और कपड़े भी धो लूंगी साथ में। तो कहते कि रिया मतलब जब वो खड्ड में पहुंची तो खड्ड में ऑब्वियसली आपने देखा होगा बहुत पत्थर होते हैं, तो पत्थरों पे ही बैठते हैं सारे। तो वो पत्थर पे बैठ के कपड़े धो रही, पहले उसने सारे कपड़े धो लिए रिया ने, फिर जब वो मतलब बाल लगी धोने तो शैम्पू था नहीं, शैम्पू वो घर भूल आई थी, तो उन्होंने मतलब अपनी वो जो 10 साल की लड़की थी एक साथ में जिसको वो लेके आई थी उन्हें बोला कि जा तू तब तक शैम्पू ले आ। तो वो छोटी सी लड़की शैम्पू लेने के लिए घर चलेगी, तो इतने में रिया ने सोचा कि मैं तब तक बाल गीले कर लेती। तो रिया ने जब सिर बाल मतलब अपने पानी में डुबोए और एकदम से बाहर निकाले, सिचुएशन मतलब कुछ इस तरह की आप इमेजिन करो कि ऐसे पानी है, तो उन्होंने अपने बाल थोड़े मतलब ऐसे गिल्ले करने के लिए अंदर डाले और एकदम से जैसे निकाले, तो रिया को ऐसे लगा कि जो बगल वाला पत्थर है वहां पे एक लेडी बैठी हुई है, बिल्कुल डार्क रेड कलर का उसने सूट डाला हुआ है और वो उसे बुरी तरह से घूर रही है एंड वो बहुत डरावनी है देखने में। जैसे होता है ना मतलब 2 सेकंड की झलक आप देख लेते हो, कहती जैसे ही मैंने वो देखी मैं एकदम से दूसरी तरफ को मुंह टर्न कर लिया कि हे भगवान मतलब ये क्या देख लिया, और कहती मैं बहुत ज्यादा डर गई। बट इतने में क्या हुआ कि वो जो छोटी लड़की थी वो शैम्पू लेके वहां पर आ गई और वो लड़की छोटी सी बैठ गई पत्थर पे आराम से। तो रिया ने फटाफट बाल धोए और चुपचाप फटाफट वो सारे कपड़े लेके लड़की को पकड़ के वो भागती हुई मतलब घर चली गई चुपचाप, और वो बहुत ज्यादा डर गई और घर जाते ही बस एक ही रट लगाई हुई थी कि मुझे अपने घर वापस जाना है, अपने घर वापस जाना है। सारे सोचे कि इसको हो क्या गया अचानक से, ना इनका कोई काम करने में ध्यान लगे ना ये कोई काम कर पा रही थी, बस अपने कमरे में डरी सहमी बैठी हुई थी। तो जो वो इनकी बहन थी उसकी सास ने बोला कि यार ये लड़की मतलब जब भी आती थी तो बड़ी हंसी मजाक मतलब मस्त मौला टाइप, काम भी अच्छे से करती है सब, इसको क्या हो गया अचानक से। बट वो बस उसने एक किरण जो भी रिया से बात करने जाता, रिया का हमेशा जो आंसर होता था वो होता था मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। बट उस दिन तो शाम हो रखी थी ऑलरेडी, मतलब ऑब्वियसली जब ये इंसिडेंस हुआ तो शाम होने वाली थी, और वहां से तो अब 4-5 किलोमीटर तय करके फिर वो बसेस वगैरह आती हैं आगे जाकर, और बसेस भी कहाँ थोड़ी बहुत थी उस टाइम, तो था भी थोड़ा लॉकडाउन वगैरह, तो फिर वो रात तो उन्हें वहीं काटनी पड़ी। जैसे ही अगली सुबह हुई तो इन्होंने बोला कि नहीं अब तो मुझे घर जाना है, तो इन्होंने अपनी भाभी को मनाया और मतलब बच्चे को लेके बोला अब तो मैं जा रही हूँ। तो इनकी दीदी ने पूछा कि पहले तो मेरे को बता के जा कि हुआ क्या है, फिर उन्होंने सारा इंसिडेंस अपनी दीदी को बताया कि ऐसे ऐसे हुआ। तो इनकी दीदी ने बोला पागल तेरे को मैंने खड्ड जाने के लिए बोला था, ये नहीं बोला था कि दोपहर को ही चली जा 12-1 बजे के आसपास, खड्ड में जाना है तो सुबह के या तो 7-7:30 अर्ली मॉर्निंग चले जाओ या तो शाम को जाओ फिर 4-5 बजे के, ये थोड़ा बोला था कि तू 12-1 बजे चली जा। बट खैर उन्होंने बोले कि अब मैं जा रही हूँ मुझे नहीं रहना यहाँ पे और मेरे को घर जाना है, तो वो अपनी भाभी और बच्चे के साथ घर चलेगी वापस। और घर जाके भी कहते वो बहुत बीमार रही, उसे बहुत बुखार रहा, तो फिर उन्होंने ऑब्वियसली वही आ जाता है लास्ट में चेले चूल्हे को पंडित को दिखाया होगा, फिर उन्होंने वो भूता वगैरह देखे टूना टोटका मतलब जो भी होता है उपाय वगैरह वो सब करके, तब जाके मतलब ये थोड़ा ठीक हुई और उसके बाद से ये सब चीजें मतलब ख्याल इनके दिमाग से गए। बट इनका अभी भी ये बोलते कहते हैं मेरे को बहुत डर लगता है वहां जाने में, जो इनकी बहन का घर था। तो ये जो स्टोरी थी ये मुझे भेजी थी मुस्कान ने, और ये स्टोरी थी मुस्कान की फ्रेंड जो कि नाम इन्होंने नहीं बताया बट रिया ही मान लो उनका नाम। सो आज के लिए बस इतना ही, ये 3 स्टोरीज मैंने आज आपको सुनाई है इस सीरीज में, तो आगे भी कंटिन्यू रखूंगा, बहुत जल्दी अगली स्टोरीज भी मैं आप लोगों के साथ लाऊंगा। और अगर आप लोगों को लगता है कि सच में आपके पास भी कुछ डरावनी कहानियां हैं जो आप चाहते हो कि मैं शेयर करूं, तो प्लीज मुझे मेल पे सेंड करें, मेरी ईमेल आईडी स्क्रीन पे आपको दिख जाएगी। जरूरी नहीं कि हिमाचल की ही हो, आप उत्तराखंड या कहीं और की भी कहानियां मुझे भेज सकते हैं, उनका मैं अलग से एक प्लेलिस्ट बना दिया करूंगा। सो आई होप आपको पसंद आई होंगी आज की कहानियां, तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। और ज्यादा डरना डरना नहीं है, इन कहानियों को जस्ट एज जो मैं हमेशा बोलता हूँ एंटरटेनमेंट पर्पस के ऐसे ही सुना करो, और ज्यादा दिल पे लगाने की और डरने की जरूरत नहीं है। मैं भी तो देखो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इतने अंधेरे कमरे में, रात के इस टाइम हो रहे हैं मतलब तकरीबन 11-11:30, बट मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। सबको पता है मेरा फोन टूट चुका था, खराब हो गया था, ये नया फोन फाइनली आ गया, तो मैंने वीडियोज बनाना दोबारा स्टार्ट कर दिए। तो अब मिलूंगा मैं बहुत जल्दी, फ्रीक्वेंट वीडियोज डालता रहूंगा। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।